हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज शुरू कर रही हूँ मैं एक व्लॉग, क्योंकि मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है चैनल पे डे इन माय लाइफ नहीं शूट किया है। ट्रैवल 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 पिछले 6 महीनों से। मैं जब देख रही थी कल यूट्यूब स्क्रॉल करके तो मुझे याद आया कि कुछ व्लॉग्स बनाए थे उसके बाद, मतलब शादी के बाद बनाए थे। उसके बाद हो गया, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रैवल के वीडियोज़ डाले हैं। तो आज का व्लॉग अ डे इन माई लाइफ कि क्या चलता है जब हम घर पे रहते हैं, वेर आई एम नॉट ट्रैवलिंग। तो अभी जस्ट सो के उठे इसलिए शक्ल थोड़ी सी दिखाने वाली नहीं थी, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब सुबह उठ के कोई ऐसे एकदम तैयार शैर थोड़ी होता है। अभी नहाएंगे, नहाने जा रही हूँ, थोड़ा सुबह का काम वाम हो गया है, पौधों वौधों को पानी दे दिया है और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है और बस अब नहाती हूँ और नहा के पूजा करके फिर आपसे बात करूँगी। पौधे से, ये एक पौधा जो कि हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है वो ये है, क्योंकि ये पौधा हमने वैलेंटाइंस डे पे, कुछ और ख़र्चा नहीं किया था हमने, ना हमने एक दूसरे को रोज़ेस दिए, ना हमने कुछ और किया, हमने ये ख़रीदा था बोगनवेल। ये थोड़ा महंगा था, 1200 करीबन का कुछ का था और हमें बहुत मन था कि हम ये ले। और ये जो ब्लूम कर रहा है ना अभी, इसको देख के इतनी खुशी होती है, वो हमारा पहला वैलेंटाइंस डे याद आ जाता है। तो ये हमेशा जब भी हमारे पास, जब तक भी रहेगा, मतलब पता नहीं कब तक रहेगा, कब तक अच्छे से रहेगा, पर हाँ मतलब इसके हम ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है, इधर शेड है, तो इसको यहीं पर रखते हैं। इसको जब धूप की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर रख देता है। बारिश, इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़े ना तो फ्लावर ज़्यादा होता है, और पानी ज़्यादा पड़ते तो पत्ते ज़्यादा आते हैं, मतलब हरे ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको वो ज़्यादा आते। सो ऐसा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ जी एवरीबॉडी, तो घर की सफाई वफाई चल रही है, मेड दीदी आ गए हैं और मैं नहा ली हूँ, नहा धो के रेडी हो गई, पूजा भी कर ली मैंने। अब नाश्ते की प्रिपरेशन करती हूँ। ये टाइम कभी कभी हम दोनों मिलके बनाते हैं और कभी ऐसा होता है कि सागर अकेले बना लेता है, उसको मन करता है, पोहा बनाने का उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो जब वो नाश्ता होता है तो वो बना लेता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा हेल्दी और ऐसा कुछ कुछ बनाना, तो वो मैं ही बनाती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज चीला, वो भी स्प्राउट्स चीला। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे स्प्राउट्स चीला। स्प्राउट्स पहले से करके रख दिए हैं, मतलब ऑब्वियसली वो तो पहले से करके रखना होता है। और आज थोड़ा सा सिंदूर विंदूर लगा के बढ़िया, मुझे घर पे ऐसे 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 रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब वैसे भी गर्मी है तो यार कुर्ते से अच्छा कंफर्टेबल और कुछ नहीं होता है। ऑफ टॉपिक बाय द वे, नाश्ते की बात हो रही है तो चलो चल के किचन में नाश्ता बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं स्प्राउट्स चीला कैसे बनता है। लेट्स गो। हेलो,
ठीक से बैठ रहा है। चीज गाइस, सोचो इतना पाप बढ़ गया है देश दुनिया में, है ना गाइस। रथ यात्रा के दिन बारिश होती है और रथ यात्रा के दिन बारिश ही नहीं हुई कल। पाप नहीं, प्रदूषण, भगवान ने भी सोचा है तो पाप का ही तो, पाप का ही तो फल है ना वो पॉल्यूशन भी। मतलब आप पेड़ काट रहे हो, आप प्लास्टिक का ऐसा यूज कर रहे हो जैसा कि, कैसा लग रहा है आपको ये स्प्राउट? अच्छा है, बहुत बढ़िया। वैसे तो हम बहुत बार बना चुके हैं तो आप चाय बनाएंगे? तो ऐसे रहा हूं। मुझे पता था जैसे फ्रिज खुला मुझे समझ में आ गया, वैसे हमारा फ्रिज काफी गंदा हो गया, मुझे इसको साफ करना है। तो कैसा एकदम फाइनली चाय पीना है। हाँ जी, तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, 9:40 हो रहे हैं अभी। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी फ्री हो गए क्योंकि उठ गई, फिर उसके बाद सब सारा काम वाम फिनिश करके। जल्दी उठने के फायदे होते हैं दो, मेरा वो ऐसा कंसिस्टेंसी से नहीं हो पाता है, कभी जल्दी उठ जाती हूँ कभी नहीं उठ पाती। सागर का बहुत कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी ऐसे अलार्म जैसे ऐसे नींद खुलती है 6:30 बजे, उसके इन बिल्ट अलार्म है। बाय द वे दिस इज़ माई वर्क स्पेस, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें से लिस्ट डाउन करके यहाँ पर रखी हुई है। और बस अब काम की शुरुआत करेंगे, बहुत सारे काम है जो ख़त्म करने हैं। एक वीडियो एडिट करने बैठना है, 2-3 मुझे रील एडिट करनी है आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस में काम करना चाहती हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक हम झाबुआ जाएंगे और मेरा 5 दिन का फास्ट है, व्रत है एक, जो कि शादी के बाद कंप्लीट होता है। मतलब मैं पहले मैंने 5 साल किया है, वो 5 दिन का होता है जिसमें कि आप बिना नमक का कुछ खाते हो, मतलब हाँ, और गुजराती करते जय पार्वती का व्रत बोलते हैं इसको। तो वो शादी से पहले मैंने 5-6 साल किया है, अब वो शादी के बाद उसका उद्यापन होता है, तो द फाइनल मतलब वो पूजा 5 दिन का व्रत करके देन लास्ट डे जो सुहागिन जो लेडीज होती है उनको जिमाते हैं एंड एवरीथिंग, तो वो है। तो उसके लिए आई विल गो टू झाबुआ, 1 से 5 जुलाई तक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो 5 दिन में बहुत ज़्यादा ऐसे काम वाम क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल थोड़ा ऐसा पूजा वगैरह करके थोड़ा शांति से रहूँगी, तो इसलिए सारा काम करना है। तो एडवांस में जो रील्स है वो एडिट वेडिट करना है वो करूँगी, और हाँ मतलब ये सारे काम है वो काम करते हैं। एंड पतिदेव तो ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग क्योंकि उसका 9:30 ऑफिस होता है, तो उसका ऑलरेडी शुरू हो गया है। एंड या लेट्स बिगिन द डे। काम तो चल रहा है और चलता रहेगा पूरे दिन, पर अभी ऑल ऑफ अ सडन मुझे और सागर को थोड़ा सा ऐसा मन कर रहा है कि कुछ थोड़ा, हमने एक्चुअली एक मैट्रेस ऑर्डर किया है हमारे गेस्ट रूम के लिए, ये हमारा गेस्ट रूम है यहाँ पर अभी, तो हमने कुछ इसके लिए ना थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो वो हम सोच रहे हैं एक बार यहाँ पर करके देखते हैं बिफोर हमारा मैट्रेस आए, थोड़ा सा मेजर वेजर करना है तो हम सोच रहे हैं वो करते हैं और थोड़ा सा ये करते हैं, उसके बाद फिर काम में लगेंगे। और मुझे कपड़े भी सुखाने हैं क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में धुलने रख दिए थे, धुल गए हैं वो, तो पहले वो सुखाते हैं उसके बाद ये गेस्ट रूम को, क्योंकि मम्मी पापा आने वाले हैं इन कमिंग मंथ, हमारी फैमिली भी लाइक सब इकट्ठे होने वाले हैं यहाँ पे, मम्मी पापा दीदी जीजू एंड एवरीबडी, भाई और सब लोग आने वाले हैं, तो थोड़ा घर भी सेट करना ज़रूरी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे क्योंकि वी बोथ आर वर्किंग, तो हम लोगों को टाइम ऐसा मिलता नहीं है, जब मिलता है जितना मिलता है हम उतने में थोड़ा थोड़ा करके सारा काम करेंगे। बाय द वे यहाँ पर सिर्फ हमारे मेरे ट्रैवल की बैग्स पड़े रहते हैं और ये पूरा बेड जो है ना ये कपड़ों से हमारा भरा रहता है, जहाँ से भी हम वापस आते हैं हम यहाँ पर फेंक देते हैं सब कुछ, फिर धुलता है, फिर बैग पैक हो जाता है, फिर कहीं निकल जाते हैं, तो पिछले 6 महीनों से यही चल रहा है। पर अभी थोड़ा सा स्लो किया है एज सच इस मंथ के लिए, तो ये मंथ ऑलरेडी अबाउट टू एन एंड, बट अभी इस मंथ को हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इवन जुलाई में भी फैमिली आने वाली, उसके बाद विल गो टू लद्दाख, तो ऐसे सारे प्लान्स हैं। तो अभी घर पर रहने वाले थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, फॉर अ मंथ और सो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें। चलो करते हैं, पहले कपड़े डालते हैं नहीं तो सूखते नहीं है, आजकल ग्लूमी सा वेदर रहता है। लेट्स गो। तो गाइस हमारे पास अभी इतना ही टाइम था, थोड़ी देर में हमने क्या किया है कि
ये प्लेटफॉर्म बेड हम लेकर आए हैं अभी, इसके ऊपर एक सिंगल वाला गद्दा रखा हुआ है, दो ये डबल बेड का है, इसके नीचे एक और है, उसको रख के मैट्रेस जो ऑर्डर किया है वो इस पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आयरन पैड है और ये सब सामान है, थोड़ा हट जाएगा। और रूम में हमने जो है एक छोटा सा सिटिंग कर दिया है, बाकी हमारा रूम तो ऑलरेडी सेट है ही। और यहाँ पे ये बहुत सारे गद्दे हैं जो पुराने, उनको हम बाद में सोचेंगे कहाँ रखना है, अभी के लिए थोड़ा सॉर्ट तो कर दिया है। बट हाँ, आपको लग रहा होगा क्या सॉर्ट किया रे बाबा, पर कर दिया है हमने। स्वेटिंग देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं, थोड़ा फेस वॉश करती हूँ उसके बाद फिर अगेन काम में लगते हैं। हाँ जी एवरीबॉडी, तो काम करते करते इवनिंग तक हम दोनों बिजी रहते हैं, उसके बाद ये टाइम होता है जिसके लिए आजकल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्विमिंग। यस, फाइनली मैंने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया है, इसे आती है। और मैं अभी जस्ट हमें एक हफ्ता हुआ है जाते हुए और मैं काफी एक्साइटेड रहती हूँ। कल मैंने थोड़ा ऐसे फ्लोट किया ना, तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आज वाला दिन ऐसे मजे आने वाले, लेट्स गो। अब अहमदाबाद में रहने का एक रीजन जो कि मुझे ऐसे एक्साइट करता है वो ये है, दिस पार्ट ऑफ द डे, ये तो है ही, इसके सामने नहीं बोलती हूँ। वापस जा रहे हैं स्विमिंग से, आज मज़ा आया। मैं तो बहुत ही बिगनर लेवल पे हूँ, ये थोड़ा सा कौन सा वाला लेवल पे, एडवांस लेवल पे है ये पतिदेव, और इनको काफ़ी आज हार्ड वाली ट्रेनिंग मिली है, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। भाई तो अब घर जाएंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, हम लोग रात को डिनर अर्ली करते हैं वैसे, 8-8:30 तक मैक्स हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बस फिर हम अपने स्लीपिंग जोन पे चले जाते हैं। हाँ